हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो 7,500 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 240 लोगों की मौत भी हो गई है। इस दौरान जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी अपने घर में समय बिता रहे हैं। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी और रविचंद्रन अश्विन भी ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले में बीते कुछ दिनों से बेहिसाब बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार और शुक्रवार को ही भारत में करीब 2,000 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या 7,600 से भी ज्यादा हो गई है, जबकि करीब 240 लोगों की इस महामारी से अब तक जान जा चुकी है। कोरोना से बचने के लिए सरकार ने देश भर में 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन किया है, लिहाजा सभी लोग अपने अपने घरों में ही हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ी भी अपने घरों में ही परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। इस बीच टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रविचंद्रन अश्विन घर बैठे ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी क्रिकेट एकेडमी के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे उनकी एकेडमी में ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे और युवा घर बैठे ही माही के जरिए अन्य कोचों से क्रिकेट के टिप्स ले रहे हैं। MS धोनी क्रिकेट एकेडमी लॉकडाउन के बीच अपने स्टूडेंट्स को फेसबुक लाइव के जरिए ट्रेनिंग दे रही है। धोनी की एकेडमी के मुख्य कोच सत्रजीत लहिड़ी ने बताया कि फेसबुक पर पोस्ट की जा रही लाइव ट्रेनिंग सेशन का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा टीम इंडिया के टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन भी ऑनलाइन ट्रेनिंग के जरिए अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन अपनी क्रिकेट अकेडमी के लिए क्लासेस ले रहे हैं और इस दौरान वो बच्चों को गेंदबाजी के गुर सिखा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथ रविचंद्रन अश्विन भी अपनी क्रिकेट एकेडमी के लिए ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर रहे हैं। जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी के चीफ मेंटोर और टीम इंडिया के प्रमुख स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन स्टूडेंट्स के लिए लगातार ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ताकि इस लॉकडाउन में बच्चों की ट्रेनिंग पर कोई प्रभाव ना पड़े। जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी के स्टूडेंट्स को अलग तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही एकेडमी के स्टूडेंट्स का अश्विन के साथ ऑनलाइन सेशन भी चल रहा है। बताते चलें कि देश में कोरोना वायरस को लेकर बनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से देश में खेल पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। खिलाड़ियों के लिए इतना लंबा ब्रेक लेना बिल्कुल नया है, क्योंकि इससे पहले खिलाड़ियों ने किसी खास वजह से इतना लंबा ब्रेक नहीं लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल NN Sports को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें।